आज सकाल 15 बड़ खबर है। भिड को शेष पर्यंत देखिए, आपण को अनुरोध कि टिके समय दे समस्ते भिड को शेष पर्यंत देखिए, आपण को भल पाइबा देवे, समस्ते भिड को लाइक रखिए। जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना एवे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे अल्ल ब्लाक देवे रखिए। लाइफ आपंक के चैनल कैमेरा आसव, समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पाखे अल्ल ब्लाक देवे रखिए। आज सकाल देश विदेश केते गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर। केन्द्र सरकार बहुत बड़ घोषणा कर समस्त किसान भाई मान आकाउंट में टाँह पठेगा। देश विदेश में केते कोरोना आक्रांत संख्या पहुँचला। ओडिशार पापाग हालचाल कौन रही आपं जिला नहीं देश विदेश टिकनिक खबर सहित पाठ पढ़ुता पिला आरंभ कर भोट ठारू नहीं राजनीति पर्यटन समस्त खबर ये भिडियो अच्छी। तेणु समस्त अनुरोध कि टिके समय दे शेष पर्यटन देखिए संपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। आज सकाल प्रथम खबर, आसंता नवेम्बर 20 रु ओडिशा विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन आरंभ हो। यह डिसेम्बर 31 तारीख पर्यंत चलो शीतकालीन अधिवेशन प्रथम दिन में, जैकि राज्यपाल अभिभाषण पर वर्ष 2020-21 अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करना मिली। परवर्ती खबर, सामाजिक कर्मी मानवप्रेमी आदित्य दास मृत्यु घटन तदंत स्टाटस रिपोर्ट आज दाखल हो नथवारु हाइकोर्ट असंतोष व्यक्त करिसेंति। जसिस्टी विश्वजित महांती को एने गठित खंडपीठ मामलार शुणाणी कर आसंता 11 तारिख सुधा तदंत अग्रगति नहीं सानी स्टाटस रिपोर्ट दाखल करने क्राइमब्रांच को निर्देश देते हाइकोर्ट। परवर्ती खबर, पाश्चात्य देश मानक प्रथम पर्याय कोविड संक्रमण पर वर्तमान द्वितीय पर्याय संक्रमण चली। ओडिशा रे डिसेंबर द्वितीय सप्ताह रे द्वितीय पर्याय संक्रमण आशंका थिबारु एबेठारु सतर्क रही कार्य करने को पड़े बोली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। बुधवार कोविड मुकाबला कार्यक्रम समीक्षा अवसर में मुख्यमंत्री यह कहते। परवर्ती खबर, त्रुकी रे भूमिकंपर 4 दिन पर भंगा अवस्था भितर 3 वर्ष शिशुकन्या जीवंत उद्धार हो। उद्धार होता शिशु नाम आदाय गुजानी बोली जना पड़ी, जैकि त्रुकी रे भूमिकंप होता 4 दिन पर 3 वर्ष शिशु उद्धार होता जना पड़ी। परवर्ती खबर, COVID-19 महामारी कठिन समय रे राज्य सरकार 5T एवं मो सरकार सूत्र अधीन पेंशन तथा परिवार पेंशन भोगी को हाथ पहांतरे सेवा जगाई देवाई निष्पत्ति नि। वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र, वार्षिक पुनर्विवाह एवं अविवाहित सम्बन्धीय घोषणानामा सह वार्षिक नियोजन सम्बन्धीय प्रमाणपत्र दाखल पर समय सीमा को 20 नवंबर रु मे 2021 पर्यंत वृद्धि कर सूचना मिली। परवर्ती खबर, चलित मास नवेम्बर में ही खोल स्कूल, समस्त कल्पना जल्पना उपरे पुनच्छेद पकाई गणशिक्षा मंत्री। चलित मास रे स्कूल खोलिबा नै गणशिक्षा मंत्री को सूचना देइछंती। तेबे क्यों क्यों क्लास हेबो से नै सूचना देइछंती समीर दास। तेबे पूजा छुट्टी पर नवमरु नैकि द्वादश श्रेणी पिला स्कूल आसिबे, सेमानकर संपूर्ण क्लास हेबो। स्कूल छाड़ीबा को अभिभावक राजी न हेले ऑनलाइन क्लास व्यवस्था करा जिवो। कोरोना को दृष्टि रखि पाठ्यक्रम 30% ह्रास पाई, आगो को पाठ्यक्रम आउ अधिक ह्रास हेबो नै बोली गणशिक्षा मंत्री स्पष्ट करिसेंती। 70% पाठ्यक्रम पई नुवा कैलेंडर प्रस्तुत हेबो, एने विभागीय बैठक बसची। 5 टी आशीदातांक सह आलोचना एवं खूब शीघ्र फाइनल तारीख पूजा छुट्टी पर स्कूल खोल जैकि नवंबर द्वादश श्रेणी पिला। परवर्ती खबर, प्राण ने नकली मद, हरियाणा रे 3 दिन भितर गला 20 रु अधिक जीवन। नकली मद ने जीवन विभिन्न समय रे मद मृत्यु मामला सामना को आसी। पुणी हरियाणा रे सोनीपतरे गत 24 घंटा भितर नकली मद पी गला 7 जनकर जीवन। 3 दिन भितर 20 रु अधिक लोक प्राण रहता सैनिपति पुलिस पक्षर सूचना मिली। एवं जो मैंने सब मद पीछे तेणु सतर्क समस्ते रुंतु नकली मद सबुआ बुलू। परवर्ती खबर, पखापाखि 1.5 मासर कसरतर अंत घटी। बालेश्वर और तीतल सरेच उपनिर्वाचन ईवीएम सिल हो जनता जनादि राय सिल हो सारी प्रार्थी भाग्य एवं समस्त अपेक्षा फलाफल को हेले उपनिर्वाचन भोट फलाफल पूर्व हाथ टेक सारा कांग्रेस। उभय आसन रे कांग्रेस प्रार्थी विजय आशा छाड़ दलय नेता सूचना मिली। परवर्ती खबर,
करोना आळरे बस यात्रीक ठारो धाज्य परिमाणर भड़ा ठारो अधिक भड़ा दाबी करा अभियोग मिलिबा परे एसटी कमिशनर कठोर उठिछंती। जदि कौनसी बस रे यात्रीक ठारो धाज्य परिमाण ठारो अधिक भड़ा दाबी करा जना पड़े उक्त बस विरुद्ध स्थानीय आरटीओ माने तुरंत कार्यान्वयन नेबाकु कमिशनर संजीव पांडे निर्देश देइछंती। क्यों बस केते भड़ा रही तहार एक रेट चार्ट कमिशन कार्यालय पक्षर जारी करा जाए जे कि ऑर्डिनरी बस लगे किमी पिछा 72 पैसा धार्य होता बेले एक्सप्रेस बस लगे 75 पैसा से डिलक्स बस लगे 105 से एसी डिलक्स लगे 137 पैसा धार्य होती जदि कई अधिक नीति तुरंत कम्प्लेन करने अनुरोध करवर्त खबर। तीव्र प्रतिद्वंदिता होता बेले राज्य मानकर नियुत भोट गणति बाकी बेले निर्वाचन में विजय होती बोली घोषणा करने भोट जालियाती होता अभियोग कर सुप्रीमकोर्ट को जीवे बोली बुधवार दिन ह्वाइट हाउस भाषण दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कही सूचना मिली। परवर्ती खबर एणिकि सिंहद्वार निकट भक्तों मिल पतित पावन दर्शन एथपाई सिंहद्वार सम्मुखें ब्यारिकोड प्राय 20 फुट पछक घुंचाई दि जाए आग्रह भक्त मैंने ब्यारिकोड जा पतित पावन को दर्शन करेंगे अन्य रास्ता दे फेर व्यवस्था कराकि सिंहद्वार सम्मुखें एणिकी भक्त को मिल दर्शन। परवर्ती खबर दुबईर शासकों को दिगला करोना टीका यूआईएर प्रधानमंत्री शेख अहमद बिन रसदिया को मंगलवार दिन करोना टीका दि जाए संपर्क से निजे ट्वीट कर सूचना देती। परवर्ती खबर रिपब्लिक टीवी मुख्य संपादक अवर्णी गोस्वामी को मुंबई पुलिस काल उठाई नहीं थे अवर्णी को मुंबई स्थित बासभवन जैक एक गिरफ्त दबी काली होता तो यह मुंबई पुलिस दुर्व्यवहार करने खोद अवर्णी अभियोग कर तेबे अवर्णी को यही गिरफ्त दबी को नहीं केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह केन्द्र प्रताप मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दृढ़ निंदा कर सूचना मिली। परवर्ती खबर साधारण जनता खुशी खबर हरड़ डाली दाम 15-20% ह्रास पाई मसूरी और चना डाली सह अन्यान्य डाली दाम किसी क्षेत्र में स्थिर रही बेले किसी क्षेत्र में ह्रास पाई सरकार द्वारा 15-31 तारीख पर्याय हरड़ डाली आमदानी अवधि को बढ़ावा घोषणा पर हरड़ डाली जैक किलो पिछा एवं जैक पूर्वर था 120 टंका थिला एबे कमिया फल एबे अछि 100 टंका होइछि जाकि एबे 15-20% डाली रेट कमिछि। परवर्ती खबर एबे समस्त को मिलिबो विद्युत बिल उपरे रिहाती जाकि किछि दिन तले जानिथिबे माननीय मुख्यमंत्री जाकि नवीन पटनायक मो विद्युत आप रो शुभारंभ करथिले मो विद्युत आप एई आप रे एबे जे सब लोग एतरे जाकि विद्युत बिल पैठ करिवे सेमानकु सांगे सांगे जाकि विद्युत बिल उपरे 2% रिहाती एणिकि मिलिबो जाकि मो विद्युत आप रे जे से सेतरे यूज करकि बिल पैठ करिवे सेमानकु डायरेक्ट 2% रिहाती मिलिबो जाकि मुख्यमंत्री को बहुत बड़ घोषणा ता सहित यही आप मध्यम विद्युत उपभोक्ता को अभियोग करेंगे अभियोग कले तुरंत समाधान करा सूचना मिली। परवर्ती खबर मुंबई पे संकट देखा जा 26 डिसेंबर रे एठारे आतंकवादी आक्रमण होबार आशंका रही भारतीय गुइंदा विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कर दृष्टि रखी मुंबई को हाई अलर्ट रखा सूचना मिली। परवर्ती खबर बालेश्वर तीतल विधानसभा उपनिर्वाचन सरला भोट यही दुई निर्वाचन मंडल भोटर से मत रखी सारी एवीएम सिल हो सारी प्रार्थी भाग्य आगामी 10 तारिख में एवीएम खोलें जना पड़ब यही दुई निर्वाचन मंडल क्या निजर प्रतिनिधि रूपे बाचि एठाकर जनता जनार्दन जैकि 10 तारिख में एवीएम रिपोर्ट बाहर को जाए। परवर्ती खबर दीपावली अत्यावश्यकीय उपरे कटकणा जारी कले पश्चिमबंग सरकार निष्पत्ति समीक्षा लगी व्यवसायी निवेदन जहाँकि वर्तमान पश्चिमबंग सरकार सामिल होती राज्य में दीपावली अत्यावश्यकीय उपरे कटकणा लागू होती कि पश्चिमबंग दीपावली संपूर्ण भाव बारण होता सूचना मिली। परवर्ती खबर अपेक्षार अंत घटिला समस्त जनधन खातार मिल 1500 टंका लेखाएं सहायता जहाँकि 20 कोटी जनधन खातार मिल मार्च मस पर्यंत 1500 टंका लेखाएं जहाँकि आर्थिक स्थिति सुधारे सरकार प्रोत्साहन पैकेज 3.0 जारी करने बेले एवं जनधन खातार मिलवाक जाऊँगी मार्च मस पर्यंत जहाँकि जनधन खातार 1500 टंका लेखाएं मिलवाक जाऊँगी तो से हीपरी 3 कोटी गरीब वरिष्ठ नागरिक विधवा सहित दिव्यांग क्या ट्रांसफर योजना सामिल कर सरकार।
ଅର୍ଡ଼ର ଯାହାକି ଏଥିରେ ଜନଧନ ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଜନଧନ ଖାତାରେ 1,500 ଲେଖାଏଁ ମିଳିଥିଲା ତିନି ମାସ ପାଇଁକା ମାସକୁ 500 ହିସାବରେ ତିନି ମାସ ପାଇଁକା 1,500 ଲେଖାଏଁ ମିଳିଥିଲା ସେହିପରି ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜନଧନ ଖାତାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ୱାଇଫ୍ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜନଧନ ଖାତାରେ ଟଙ୍କାଟି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏହିପରି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 କୋଟି ଜନଧନ ଖାତାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଜବତ ହୋଇଛି ତାଳଚେର ବଜାରରୁ। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଜବତ ହୋଇଛି ତାଳଚେରର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାଣ ଜବତ ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ବାଣ ଜବତ ହୋଇଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ବାଣ ଜବତ ହୋଇଛି ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5,00,000 ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ସମସ୍ତ ବେକାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ନେଇକରି ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଭତ୍ତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ESI କଟୁଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା କଟିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ନେଇକି ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭତ୍ତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କହି ରହୁଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭତ୍ତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ESI ଆପଣଙ୍କର କଟୁଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଅଧା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ 50% ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଆଉ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅଲରେଡ଼ି ମିଳିସାରିଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟି ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ପାଇବେ ସେ ବାବଦରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇଠି କହିରହୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ତ କହିରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ESI କଟୁଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ନେଇକି 31 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ESI ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମେନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମେନ୍। ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସେଠି ଫର୍ମ ରହୁଛି, ସେ ଫର୍ମ ଭରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁକା ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଥିଲେ ସେତିକି ଦରମାର ଆପଣଙ୍କ ଅଧା ଦରମା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଯାହାକି 2 ପାଇଁକା ଆଉ ପୁଣି ଜମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏହିପରି ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନିକଟସ୍ଥ ESI ଶାଖାକୁ ଯାଇକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଗ୍ରାହକ ଛାତ୍ର ଯୁବ ମହିଳା ଦଳିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଜାରି ରଖିଥିବା ଆକ୍ରମଣ ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଫେଡେରେସନର ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 26 ଯାଇକି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଏକ କନଭେନସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କିଷାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2,000 ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଥିଲେ ତ ସେହିପରି ପୁଣି ଏବେ କିଷାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର 3 କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଅଲରେଡ଼ି 2 କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ବାକି ଅଛି, ସେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପୁଣି ଟଙ୍କା ପୁଣି ଯାହାକି କିଷାନମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ଯାହାକି କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କିଷାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଯେ ପୁଣି ଟଙ୍କା ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 2,000 ଲେଖାଏଁ। ତ ଆରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ କିଷାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଭୁଲ ଘଟକା ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ୍ ଯାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରାଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ। ଏମିତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କିଷାନ ଭାଇଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରେକ୍ସନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟି ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥାଏ ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିଛି ଭୁଲ କଟକା ଥାଏ ତୁରନ୍ତ କରେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଯାହାକି ପୁଣି ଏବେ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପାଣିପାଗ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା, ଗୁରୁବାର ରାତ୍ରିରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ। 3-4 ଭିତରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହିଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି 3-4 ଭିତରେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି।
राज्यवासी खुशी खबर आज आपण जिलूर केतज व्यक्ति करोनार सुस्थ होती जाणी रखु। आज ओडा टोटाल 1520 जन व्यक्ति सुस्थ होती मिसे ओडा टोटाल सुस्थ संख्या पहुँचला 282073 पहुँची। आज सर्वाधिक खोर्धा जिलूर 285 होता बेले मयूरभंजर 113 जन सुस्थ होती, कटकु 102 जन सुस्थ होती, जगत सिंहपुर 94, अनुगुल 89, नुआपड़ 70, झारसुगुड़ 68, सुंदरगढ़ 65, बलांगीर 63, केन्द्रापड़ 53, बालेश्वर 50 जन, से जाजपुर 48, बरगड़ 46, पुरी 45, गंजाम 36, केन्दुझर 30, संबलपुर 27, भद्रक 26, ढेंकानाल 25, सोनपुर 25, कलाहांडी 24, कोरापुट 24, बौद्ध 17, नवरंगपुर 16, नयागढ़ 16, देवगढ़ 11, रायगढ़ 10, कंधमाल 8 जन व्यक्ति सुस्थ होती। परवर्ती खबर, दिल्ली रे कोरोना भांगिला सबुठ रेकर्ड। 24 घंटे चिन्हट होले 6725 नुआ संक्रमित, जहाँकि 24 घंटा मध्य पुणी 48 जन कोरोना मृत्यु होती, 3610 जन सुस्थ होती गत 24 घंटे दिल्ली में, जहाँकि 6725 जन नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट होता सुना मिली।